गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग अड्डा। फ्रेंड्स, आज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम कवर करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, रीजनिंग का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस की कोशिश रहती है कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से आने से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कवर करना कोडिंग और डिकोडिंग को, कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। हो सकता है कि कई ऐसे भाई जिन्होंने कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पहले से पढ़ रखा हो, उनको काफी अच्छी नॉलेज हो। आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं आपको इसमें बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी जो आप देखेंगे। और कई लोगों ने जिन्होंने पहले से ही कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखी है, तो हो सकता है कि उनको कुछ नई चीज मिल जाए। ये भी हो सकता है, अगर आपको कुछ नई चीज नहीं मिलती है तो भी कोई इसमें बुराई नहीं है, आपका एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और जो भाई जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग को नहीं पढ़ा हुआ, जिनके लिए प्रॉपर ये नया सब्जेक्ट है, तो उनको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। सबसे पहले समझ लेते हैं कोडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, कोडिंग को हम अगर डेफिनेशन अगर हम कोडिंग की देना चाहें, तो कोडिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू समवन यूजिंग सम सुटेबल कोड्स सो दैट इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय अदर्स। हिंदी में इसको जान लेते हैं कि कोडिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा किसी दी हुई इन्फॉर्मेशन को कुछ सर्टन कोड्स में चेंज कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो सामने वाला उसको अंडरस्टूड ना कर पाए। ठीक है, जब हम किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कहीं पर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको कुछ सर्टन जो एक मेथड होता है उसके द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को कुछ कोड में चेंज कर देते हैं, जिसके द्वारा अगर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वो इन्फॉर्मेशन जाए तो उसको पता नहीं लग पाए कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। अब डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोड्स। मतलब जो कोड्स आपके सामने कोड होके आए हुए हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को आपने पहले कोड किया, कोड करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी बन जाती है उसको वापस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। मतलब कोडिंग से डिकोडिंग होती है और डिकोडिंग का रिवर्स कोडिंग हो जाता है। यानी अगर आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग से डिकोडिंग हो जाएगी, आप कोडिंग को डिकोडिंग करेंगे। जैसे किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप कोड में जब चेंज करते हैं तो उसको कोडिंग कहते हैं, और वापस रिवर्स उसका प्रक्रिया क्या होगी कि कोडिंग से डिकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, डिकोडिंग इसकी रिवर्स प्रक्रिया होती है। अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोडिंग कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम कोडिंग को हम देखना चाहें, कोडिंग हमारी टोटल मिला के 3-4 टाइप की कोडिंग होती है, इनको मैं आप एक्चुअली इस वीडियोज में कवर करूंगा। फर्स्ट देखते हैं पहले लेटर कोडिंग, कि अल्फाबेट्स आर कोडेड एज सर्टन अदर अल्फाबेट्स। यानी जो लेटर कोडिंग होती है उसके अंदर जो आपकी वोकेबुलरी की जो 26A से लेकर जेड तक की वोकेबुलरी होती है, उसके अंदर जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनको कुछ सर्टन अल्फाबेट्स में, मतलब उन्हीं अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ एक सर्टन मैनर के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लें, जैसे आप देखें ये माइट है आपका MIZHT, इसको फ्रेंड्स चेंज किया गया है GHTMI। अगर हम देखें तो इसका अगर पहले देखिए, जैसे धीरे धीरे आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियली मैं अगर आप देख लीजिए किसी भी कोडिंग जो आपको दिया हुआ है उसको करने के पश्चात आपको सेम चीज मिल रही है, जिसके अंदर मतलब पार्टिकुलर वही लेटर है। जैसे देखिए MIZHT, इसका मतलब अगर जो सेम लेटर्स आपको कोडिंग करने के पश्चात मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये सोचिए कि आपको कोई भी सीरीज उसमें +1 -1 वाली जो भी आगे सीरीज में आपको बताऊंगा उस टाइप की कुछ नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, जो आपको जो भी शब्द दिया हुआ है या वर्ड दिया है उसके जो लेटर्स की जगह है उनको जम्बल कर दिया गया, उनको आपस में चेंज कर दिया गया। जैसे ये आपका MIZHT है, ये 1, 2, 3, 4, 5 हम लिख लें। अब क्या कर दिया, M को देखिए कौन सी डिजिट पे लाया गया, ये M का स्थान क्या है, M का स्थान यहाँ पर 1 है, इसको उठा के हम कहाँ ले आए, यहाँ पर देखिए। तो ये पैटर्न क्या बन गया, माइट को हमने लिख दिया GHTMI। यानी 1, 2, 3, 4, 5 की जगह अगर हम दोबारा पैटर्न देखें तो 3, 4, 5, 1, 2 है। उसी प्रकार वो पूछ रहा है कि ग्रीन को क्या लिखेंगे, अब हम ग्रीन को लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5 डाल दें। अभी देखिए वापस हमारी कोडिंग यहाँ क्या हुई थी, 3, 4, 5, 1, 2, तो उठा के शुरू कर दे, 3 पे क्या है ई, 4 पे ई, फिर उसके 5 आया, 5 के ऊपर आपका क्या है, 5 के ऊपर आपका एन है, ई एन, फिर आपका ए 1 आया, 1 में आपका जी है, और फिर लास्ट में क्या आपका आया 2, 2 में आपका क्या है आर है, तो EENGR। यानी इसी सेम पैटर्न के हिसाब से हमने जैसे माइट को हमने इसमें कन्वर्ट किया, सेम पैटर्न के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे जो भी वर्ड इसमें MIZHT दे रखा था पूरे के पूरे वर्ड यहां अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब इनके जो स्थान है वो बदले गए, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे और थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपका 2 है डीआर, जैसे DEER डीआर है, डीआर को FGGT लिखा हुआ हमने, ठीक है,
तो रानी को क्या लिखेंगे? अभी देखिए यहाँ पे डी डबल ई आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सारे वर्ड्स आपके चेंज है, यहाँ पे डी है, यहाँ एफ है, तो इसका मतलब सीरीज अल्फाबेटिक सीरीज को आप देखिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्फाबेटिक सीरीज कैसे होती है। अल्फाबेटिक सीरीज को आप देख लीजिए, डी के बाद में डी एबीसी डी ई एफ यानी दो प्लस दो, ई के बाद प्लस दो, ई के बाद जी आया ये भी दो अंक बाद आता है, और आर के बाद टी आया ये भी दो स्थान बाद आता है। तो इसका मतलब पूरी सीरीज में इसमें प्लस टू की सीरीज है। तो डी में दो जोड़ी है, डी के बाद एफ आ गया, ई में दो जोड़ी है जी आया, ई में दो जोड़ दिया जी आया, आर में दो जोड़ दिया टी आ गया। तो रानी को लिख दे, रानी को आप प्लस टू करोगे, आर एस टी, फिर ए बी सी एन ओ पी आई जे के, तो टी सी पी के, ये तो आपको ये जो पैटर्न है बीच का, ये पैटर्न आपको पहचानना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे कि हाँ जो ये हमारा सीरीज के अंदर जैसे ये जो आपका पैटर्न बना हुआ है प्लस टू ये पैटर्न आपको पहचानना है कोडिंग डिकोडिंग में। यहां पर आपने क्या पैटर्न जो ऊपर पहुंचे पहचाना था, ऊपर सेम थी आपके, लेकिन यहां जो आपने क्या किया, जो आपको पैटर्न आपने देख लिया उसी पैटर्न के हिसाब से जो आपको नेक्स्ट वर्ड दिया है उसको आपने कन्वर्ट करके आपका आंसर निकाल दिया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। अभी चलिए ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा और आपके समझ में आएगा। थर्ड एग्जाम्पल में हम लेते हैं, थर्ड में देखिए शीप को, एग्जाम्पल थ्री के एस एच डबल ई पी, शीप को लिखा है जी ए एक्स एस आर, उसी हिसाब से बेल्ट को हमने बी एल ई ए टी, ब्लेट को हमने लिख दिया एच पी एक्स टी एन, तो एस एल ए टी स्लेट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों कोडिंग में आप पहले ये देख लीजिए कि अब इसमें चेंज किया गया, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, कि दोनों कोडिंग में ई कॉमन है, दोनों आपकी कोडिंग में ई आपका देखिए कॉमन है, ठीक है, ई आपका कॉमन है, और पूछा गया शब्द स्थित है, तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग मेथड से, ठीक है, दोनों में आपका एस एच डबल ई पी जी ए एक्स एक्स आर है, यहां ई की जगह एक्स आया, यहां ई की जगह एक्स आया, फिर बी एल ई ए टी ब्लैक हम देख लेते हैं, इसको एच पी एक्स, ई की जगह यहां पर भी आपका एक्स आ गया है, ठीक है, तो स्लेट एस एल ए डी, तो हम देख लीजिए एस एच डबल ई पी को हमने लिख लिया ऐसे करके एस एच डबल ई पी आपने लिखा, इसको जी ए एक्स एक्स आर आपने लिख दिया, तो बी एल ई ए टी को लिख दिया आपने क्या एच पी एक्स टी, और आपने क्या लिख दिया आपका एन आ लिख दिया। उसी हाँ पूछा गया एस से क्या डिनोट के, देखिए एस से जी को डिनोट किया है, एच से ए को, ई से एक्स को, ई से एक्स को, और पी से आर को, इसी हिसाब से देखिए बी से, तो अब आपको क्या पूछना है एस एल ए टी, तो आपको ये फाइंड आउट करना, देखिए इसके अंदर कोई सीरीज क्यों नहीं बनी, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ये सी और ब्लैक किया है, जो ये नीचे का वर्ड पूछा गया क्या इसके सारे डिजिट ऊपर में मिल रहे हैं, ये देखिए आप एस एल ए टी ई, तो एस कहाँ है हमारा, ये आ गया, एल कहाँ है, ये आ गया, ए कहाँ है, ये आ गया, टी कहाँ, ये आ गया, और ई कहाँ, ये आ गया, इसका मतलब जो नीचे पूछे गए जो जितने भी जो शब्द आपको पूछा गया है वो जो ऊपर आपको दो दिए गए उनमें अवेलेबल है, तो फिर ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग होगी। फिर क्या होगा, डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या होता है कि एस को जी से किया गया, एच को ए से कोड किया गया, ई को एक्स से कोड किया गया, तो हम ले लेते हैं स्लेट एस एल ए टी, एस को किससे किया गया जी से, जी लिख दिया, एल को किससे किया गया, एल को पी से किया, पी लिख दिया, ए को किससे किया गया, ए को टी लिख दिया, टी से, और फिर टी को किससे किया गया, यहां देख लेते हैं टी को एन से किया गया, और ई को किससे किया गया, ई को एक्स से किया गया, तो जी पी टी एन एक्स, ये आपका क्या आएगा जी पी टी एन एक्स, ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए आपका नेक्स्ट है आपका नंबर सिंबल, नंबर ऑब्लिक सिंबल कोडिंग। इसमें क्या होता है कि अल्फाबेट्स नंबर और सिंबल्स में कोडेड किए जाते हैं, ठीक है, जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो नंबर और सिंबल्स में कोडेड किए जाते हैं, मतलब जो अल्फाबेट जैसे आपके ए बी सी जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, ए से लेके जेड तक होते हैं, उनको आप नंबर में कर सकते हो, एक दो तीन चार पांच से लेके व्हाटएवर जो भी नंबर है आपके, और आपको सिंबल्स में भी, सिंबल जैसे जो कैरेक्टर हो गए स्पेशल कैरेक्टर उस टाइप में भी आप कोडेड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए पुट, पी यू टी पुट है, पुट को 16 21 20, और अगर पुट को हम 16 21 और 20 में लिखते हैं तो बी ए टी बैट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा। अब इनकी पोजीशन वैल्यू अगर हर वर्ड की और अल्फाबेट की हम देखेंगे, क्या अगर हम पोजीशन वैल्यू इनकी देखेंगे कि पी हमारा अल्फाबेट में किस क्रम में आता है, बी हमारा किस क्रम में आता है, यू हमारा किस क्रम में आता है, तो अल्फाबेट की अगर आप पोजीशन वैल्यू देखेंगे तो ये सारी बराबर मिलेगी, यानी पी आपका 16वें स्थान पे आता है, यू आपका 21वें स्थान पे आता है, और टी आपका 20वें स्थान पे आता है। ये हमारी क्या है कि जो अल्फाबेट है पूरी ए से लेके जेड तक की हमारी वर्णमाला होती है, उस वाले अल्फाबेट में जो उसकी पोजीशन वैल्यू होती है, जैसे ए पहले स्थान पे होता है, डब्ल्यू आपका क्या होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे करके जेड आपका 26वें स्थान पे होता है, तो इनकी पोजीशन वैल्यू है। तो आपको क्या है, इसकी पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए,
जैसे बी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, दो, ए की क्या होती है, एक पहले स्थान पर होता है, टी कौन से स्थान पर होता है, बीसवें स्थान पर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैक को क्या लिखेंगे आप, 2, 1 और 20। जैसे पुट को 16, 21, 20 लिखा जाए तो बैट को क्या लिख दिया जाएगा, इनकी पोजीशन वैल्यू रख दिया, 2, एक की जगह एक पहले स्थान पर होता है, 1, और टी कौन से स्थान पर होता है, 20वें स्थान पर होता है, 2, 1, 20। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 1, 20, आपका आंसर आ गया 2, 1, 20। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा टफ में चलते हैं। यदि एक्स बराबर 24, यदि एक्स बराबर 24 सी एच बराबर 11 तो कैट बराबर क्या होता है, यदि एक्स बराबर 24 सी एच बराबर 11 तो कैट बराबर क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे। देखिए पोजीशन वैल्यू पुनः चेक करने पे जो एक्स होता है वो 24वें स्थान पे होता है, सी एच का मतलब होता है सी तीसरे स्थान पे होता है, एच कौन से 8वें स्थान पे होता है, 8 और 3 क्या हो गया आपका 11 हो गया, तो कैट फिर क्या लिख देंगे, कैट को आप कैट सी तीसरे पाता है, ए पहले पाता है और टी 20वें पाता है, 20 आप तीनों को जोड़ दीजिए, 20, 1, 21 और 3, 24, तो आपका 24 निकला है। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पोजीशन वैल्यू के साथ में जिसे सी एच लिख दिया करके, तो उनमें आप डिजिट जोड़ दिया, दोनों को आपने चेक किया, चेक करने के पश्चात ये देखा अच्छा ठीक है, एक्स 24 क्या ऊपर आता है जगह पे, आपका सी तीसरे स्थान पे आता है, एच आपका 8वें पे आता है, तो 8, 3, 11 हो गए, तो इसी प्रकार से कैट को आप लिख दो, कैट सी तीसरे पे, ए पहले पे और टी 20वें पे, तो 24 आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, अभी मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया था, जैसे पैरेट को लिखा जाता है डॉलर सिंबल, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो रेट को क्या करेंगे, तो आप देख लीजिए रेट आपसे पूछा गया, रेट शब्द इसी मिल रहा आर ए टी है ना करके, तो आर को किससे डिनोट किया गया, हैश से, आर को हैश से, ए को किससे डिनोट किया गया, अल्फा से, देखिए सेकंड पे ए है, सेकंड पे एट द रेट है, ए को एट द रेट से, और टी को किससे डिनोट किया गया, टी लास्ट में, लास्ट में ये देखिए निशानों का, तो इसी प्रकार रेट क्या हो जाएगा, इनको कर दीजिए हैश आर एट द रेट, ये बड़ा का सिंबल, तो ये आपका रेट इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वैल्यू को बता रहा था, तो उसके पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको अभी तरीके बता रही है, कोडिंग दो टाइप में मैंने बताई करके, एक लेटर कोडिंग आपको बता रही, दूसरी बात अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल कोडिंग आपको बता रही, स्पेशल करेक्टर कोडिंग बता दी। इसके लिए आपको एक सीरीज ये याद करनी पड़ेगी, अगर आप ये सीरीज याद कर लेते हैं तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी हो जाएगी, अदरवाइज आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा और आपके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग मैथड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, चाहे भले वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, वो बैंक का हो, उसमें आपकी टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। जितना कम समय में आप पेपर को कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको तकरीबन आज के टाइम में किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय लगता है मिलेगा आपको, और ये मैं आपको एक बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप देखेंगे आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका बढ़ता चला जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अगर आपको ये याद नहीं, लेट कंसीडर करें, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं होती, पहले तो आप देखिए कैसे आपको याद करना है, ये आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां रिवर्स स्टार्ट कर दिया हमने, एम से एन से लेके जेड तक, यानी 1 से लेके 13 तक ये लिखे आपके, और उसके बाद 14 से लेके 26 तक ये लिखे। इससे क्या एक फायदा आपका होगा कि आगे चल के आपको ये भी काम आएगा कि कौन सा लेटर किसके विपरीत है, जैसे कई बार कोडिंग में ई को वी से, जैसे पांचवा ना करके ये इस पोजिशन में ये पांचवा है, इसका रिवर्स लेटर अगर आपसे पूछा जाए तो वी होगा, एच का रिवर्स एस होगा, के का रिवर्स आपका पी होगा, ठीक है। ये पोजिशन वैल्यू में ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, इसलिए आपको रिवर्स वैल्यू भी बताने, जैसे ए का जो उल्टा या रिवर्स वैल्यू होती है वो जेड होती है, एम का एन होता है, आप ऐसे लिख लीजिए, इसको रिवर्स में ऐसे कर लीजिए, फिर एक बार आपको विपरीत लेटर्स ऐसे और दोनों चीज याद करने से याद हो जाएगी, फिर ये 5 सीरीज आप कर सकते हैं, जैसे ई 5वें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे, ओ 15वें पे, टी 20वें पे, वाई 25वें पे, ये थोड़ा सा 5, 10, 15, 20, 25 है, ऐसा आप कर लें, ई जे ओ टी वाई, थोड़ा आसान है याद करने में, ई जे ओ टी वाई, तो आपको क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको एस ढूंढना है, लेट कंसिडर एस ढूंढना, तो एस कौन सी जगह पर होता है, आपको पता है कि एस भाई हमारा किसके बीच में होता है, टी से पहले होता है, टी से पहले एस होता करके या ओ के बाद एस होता है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको पता है कि टी 20वें पे, उससे पहले अच्छा ठीक है, टी से पहले एस होता करके, तो उसका मतलब वो 19वें स्थान पर हो जाएगा, ऐसे थोड़ा आपको आसानी मिलेगी, ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसा बेहतर लगे वैसा कर सकते हैं, फिर भी अगर मैं एक चीज बोलूंगा आपको, अगर आपको याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हो पाया तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप एक काम करिए, इस पूरे जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाइए, आपको जो रफ के लिए पेपर मिलता है उस पेपर के अंदर केवल आप 1 मिनट का समय दीजिए, आप इस प्रकार से पूरा उतार लीजिए, ए बी सी डी से लेकर एम एन ओ पी जेड तक, फिर 1 से लेकर पूरा 26 तक, ये उतार लिए आपको 1 मिनट का समय लगेगा, ये हमेशा जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे 5, 10, 15, 20 जो भी इस टाइप की सीरीज के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, सबसे पहला आपने ये काम करिए, आप एक रफ पेपर पे इसको उतार लीजिए, कोई मनाही नहीं किसी चीज की, कोई नकल में भी आपका शामिल नहीं होगा, आप उतार के रख सकते हो, आपके आगे काम आएगी। चलिए देखते हैं और आगे,
चलिए थर्ड आपको टाइप है, मैंने आपको दो टाइप बता दिया करके। तीसरा हिस्सा जो इसका टाइप है, प्रकार है, वो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, इसमें शब्दों की एक श्रृंखला दी जाती है और श्रृंखला का हर शब्द किसी अन्य शब्द का सब्स्टिट्यूट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें शब्दों की एक सीरीज दी जाती है, श्रृंखला दी जाती है, और श्रृंखला का हर शब्द किसी जो अगले शब्द से संबंधित होता है। जैसे यदि ग्रीन इज कॉल्ड मिरर, यदि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये, ठीक है, जो भाई अगर हिंदी में, जिनको तो हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश और इंग्लिश में समझ सकते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या आपको आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, उसका आपको उचित और समुचित आंसर दिया जाएगा। यदि ग्रीन इज कॉल्ड मिरर, यानी मिरर शीशे को हरा कहा जाता है। मिरर इज कॉल्ड सोप, ठीक है, मिरर इज कॉल्ड सोप। सोप इज कॉल्ड, सोप को कुल्हाड़ी कहा जाता है। एक्स इज कॉल्ड एप्पल, एक्स को यानी कुल्हाड़ी को एप्पल कहा जाता है, सेब कहा जाता है। एप्पल इज कॉल्ड हेलमेट, और सेब को हेलमेट कहा जाता है। एप्पल इज कॉल्ड, देन टू कट द ट्री व्हाट वी यूज, तो पेड़ को कट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, गौर करिएगा। ग्रीन इज कॉल्ड मिरर, यानी हरे को शीशा कहा जाता है, शीशे को साबुन कहा जाता है, साबुन को एक्स कहा जाता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को सेब, और सेब को हेलमेट, तो पेड़ काटने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। सबको पता है पेड़ किससे काटा जाता है, कुल्हाड़ी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि कुल्हाड़ी को एप्पल कहा जाता है, एक्स इज कॉल्ड एप्पल, क्योंकि कुल्हाड़ी इस्तेमाल करेंगे, कुल्हाड़ी को एप्पल, अब हम सोचे कि एप्पल को तो हेलमेट कहा जाता है, तो हम हेलमेट, ऐसा नहीं है। एक्स इज कॉल्ड एप्पल, यानी एक्स को पेड़ कट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। एक्स इज यूज टू कट एनीथिंग, किसी भी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो एक्स का कोड क्या यहां दिया गया, एक्स इज कॉल्ड एप्पल, ये देखिए यहां पर एक बड़ा आपको क्लियर कट लिखा हुआ करके, एक्स इज कॉल्ड एप्पल, एक्स को क्या कहते हैं, एप्पल, तो हम क्या कहेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल, हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा एप्पल। ना कि अगर आप ये सोचें कि एप्पल, जैसे एक्स को हम एप्पल बोलते हैं, फिर एप्पल को हेलमेट बोल देते हैं, तो हम हेलमेट सोचे लास्ट वाला लिख दें, ऐसा नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन में एक्स इज कॉल्ड एप्पल, यानी हम पेड़ को कट करने के लिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि कपड़ा धोने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लेट कंसीडर, इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछते हैं कि चलिए ठीक है टू वॉशिंग क्लोज, या कपड़ा धोने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता साबुन, साबुन का कोड देखिए क्या है, मिरर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड एक्स, सोप को क्या कहा जाता है, एक्स, तो साबुन धोने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्स, तो हमारा क्या आंसर हो जाता है फिर, एक्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि साबुन कपड़े धोने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या बताएंगे उसको, एक्स। इस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका मैसेज कोडिंग, चौथा प्रकार आपका क्या है, मैसेज कोडिंग। अब देखिए मैसेज कोडिंग में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं मैसेज कोडिंग में क्या होता है। मैसेज कोडिंग में इसमें कुछ संदेश होते हैं, जो कुछ संदेश होते हैं वो कुछ विशेष वर्ड में कोडेड होते हैं, जो कोई भी अगर सेंटेंस है, वाक्य है आपका, या फिर आपका कोई भी जो आपका एक शब्द हो गया, वो कुछ विशेष शब्दों में कोडेड होता है। जैसे राम गोज टू होम, राम गोज टू होम को क्या कहा जाता है, पो रा जी हो। सीता रीचेज होम, क्या कहा जाता है इसको, रा ती मो। रीना एंड सीता आर फ्रेंड्स, इसको है, इसको कोडेड किया गया टो के यू कू एम ओ पी जी गो। तो सीता के लिए प्रयुक्त सिंबल क्या है, आप बताइए, थोड़ा सा गौर करके देखिए इसमें। देखिए पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में हम क्या है, क्वेश्चन को पूरा लिख लेंगे, लिखने के बाद हम कॉमन छाटेंगे। जैसे राम गोज टू होम और इसमें क्या है, सीता रीचेज होम, यानी इसमें होम वर्ड कॉमन है ओनली। देखिए इन दोनों में होम के अलावा कोई वर्ड कॉमन है, तो होम को गोला कर लीजिए आप, गोला कर लिया आपने। यहां देखिए कौन सा वर्ड कॉमन है, पो रा जी हो रा ती मो, यानी आर ए रा, यह पर रा दोनों में कॉमन है, यानी होम के लिए क्या हो गया रा। चलिए ठीक है, अभी क्या है हमसे पूछा गया सीता के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए, ठीक है। अब है देखिए राम रीचेज होम, सॉरी सीता रीचेज होम, इसमें क्या है, सीता आर फ्रेंड, राम एंड सीता आर फ्रेंड, तो ये इसमें हो जाएगा आपका सीता रीचेज होम, सीता रीना एंड सीता आर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज कॉमन है, देखिए सीता, अब सीता को देख लीजिए आप, सीता के अलावा इसमें कुछ भी दिख रहा है कॉमन आपको, कुछ भी नहीं करके यहां देख लीजिए क्या है, रा टी मो एम ओ मो, ये आपका एम एम ओ मो, मो आपका कॉमन आ गया, यानी सीता के लिए क्या होगा, सीता की प्रयुक्त शब्द क्या होगा, एम ओ मो आ गया, क्लियर, ठीक है। अब इसमें केवल एक वर्ड बचा है ना, गौर से देखिए टी आई, टी किसके लिए जोड़ होगा आपका, रीचेस के लिए, अगर पूछा रीचेस का क्या कोड हो गया आपका, टी हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए होम के लिए प्रयुक्त सिंबल, एच ओ एम ई होम,
ये आपसे पूछा गया है कि होम के लिए प्रूफ सिंबल, अब आप इसको कैसे निकालेंगे? HOME होम, होम के लिए प्रूफ सिंबल क्या है? अब होम के लिए प्रूफ सिंबल निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो ये होम हमारा हाईलाइटेड है, बोले सुनने निकाला, तो HOME होम है, होम को क्या है आर या रा, तो होम के लिए प्रूफ शब्द क्या हो जाएगा आर ए रा, ठीक है। तो हमने होम को कॉमन देख लिया, तो इसका मतलब जो भी सेंटेंस हमारे दिए जाते हैं उन सभी सेंटेंसों को मिला के उनमें से कॉमन देखते हैं, जो हमारा कोडेड लैंग्वेज दिया उसमें कॉमन देखते हैं, तो दोनों में से जो कॉमन होता है वही हम इस कोडिंग में निकाल लेते हैं। इस प्रकार की कोडिंग से भी क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, जैसे हम आके अभ्यास करेंगे तो आपको आगे दिखाई पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो कोडिंग डिकोडिंग आपकी चार टाइप की थी, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चारों बता दी, चारों गए आपके तरीके समझा दिए करके। अब हम क्या आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट्स, आपको कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, देखते हैं कि जो भी हमने समझा उसको प्रैक्टिस करके उसको समझने से और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट में लिखा गया आपका लीडर LEADER, लीडर इज कोडेड एज KEBER, लीडर को इसको कोडेड किया जाता है, तो इस प्रकार विंटर को कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं पहले, क्या लिखेंगे LEADER, लीडर हो गया आपका KEBER, देखिए लीडर को हमने लिखा है। अब देखिए L से आइए के L और L K में क्या है -1 है, K से एक पहला करके आ जाएगा, K के बाद L आएगा, या फिर L से लेके K क्या है उसको -1 कर दिया। E को बिल्कुल हमने सेम छोड़ दिया, E को हमने कुछ नहीं किया, A को +1, D को +1, फिर E को छोड़ दिया और R को छोड़ दिया, ये है हमारा, दोनों को करके हमने छोड़ दिया, इसको भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या है, L ये -1 सीरीज कर दी, E को छोड़ दिया, लास्ट में R को छोड़ दिया। थोड़ा गौर से करके देखिए आप, ये कोडिंग बनाइए आप, गौर करके देखेंगे आप, उसी हिसाब से हम इंटर को क्या बना सकते हैं, WINTER, विंटर। तो हमने क्या देखा, -1, विंटर को -1 करेंगे, वी से डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी, ठीक है। आई को हम क्या करेंगे आई को, आई को हम छोड़ देंगे एज इट इज, जैसा जैसा रहने देंगे, आई को आई निकल आया, N+1, एन की जगह ओ कर दीजिए, +1 एन के बाद ओ आता है, टी क्या है फिर +1 की सीरीज है, फिर +1 कर दीजिए, टी के बाद क्या आएगा यू, फिर ई और आर को वैसे ही छोड़ दिया, देखिए ई को वैसा छोड़ा गया, आर को वैसा छोड़ा गया, तो ई और आर, ई और आर को ऐसे छोड़ दीजिए, आई को वैसे रहने दीजिए, जैसे इसमें आपका ये रह गया। इस प्रकार करने से आपका क्या आंसर आ जाएगा, VIOUER, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार कोडिंग में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि क्या किया, देखिए कोई जरूरी नहीं कि सारे +1 -1 की सीरीज को कुछ छोड़ दिया, लीडर को हमने ऐसे बनाया है, हम किसी भी हिसाब से जब करके देखें तो उसको सेम कोड में दिया गया है। इस टाइप से आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी, क्वेश्चन में कोई सी भी रूलिंग लग सकती है, किसी प्रकार से हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये देखिए कि कावेरी को MYXCTG, उसी हिसाब से मदर को क्या कोड किया जाएगा। चलिए देखिए हम लिखते हैं कावेरी KAVERI, क्या लिखे इसको MYXCTG। अब देखते हैं क्या सीरीज गई हमारी बनी हुई इसमें, KLM, K से G को हमने अटैच किया, काफी दूर पड़ रहा है, ठीक है। के बाद M यानी हमारा +2, A से Y यानी क्या आ रहा है, A से पहले आ रहा Y -2, ओके। V से VWX +2, ये CDE -2, ये वाला +2 और ICG -2, तो सिंगल सीरीज बन गई +2 -2 +2 -2 +2 -2, वेरी गुड। तो फिर आप मदर को MOTHER, ये आपका हो जाएगा मदर।
मतलब वो प्लस टू एम एन ओ, ये देखिए प्लस टू का दीजिए, प्लस टू, फिर उसके बाद में और उसके बाद में ओ, ओ से माइनस टू कर लीजिए, इसे दो घटा दीजिए, यहां आप माइनस टू करेंगे तो का क्या आएगा एम, फिर क्या करेंगे आप प्लस टू, टी का आएगा वी, माइनस टू एच एफ, प्लस टू जी, ये आ जाएगा माइनस टू, क्या आ जाएगा पी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ओ एम वी एफ जी पी, यानी मदर को आप कोडेड करोगे इस स्टेप में, ये दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से आपका इस स्टेप से कोडेड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रूल्ड आर ओ एल डी रूल्ड को सम लिखा जाता है, सी ओ एम ई सम को डी ओ एन ए डन में कोडेड किया जाता है, गोल्ड को होम में कोडेड किया जाता है, तो वाई ओ यू को किसमें किया जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखिए, वाई ओ यू दिखा है इसमें, ओ है, यू कहीं दिखा, यू नहीं दिखा है, इसका मतलब ये हमारा कोडिंग से होगा। अगर सेम चीज मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये चीज अवेलेबल होती तो डायरेक्ट कोडिंग कर देते, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा। देख लेते हैं कि रोल को सम है ना, तो कैसे करेंगे, आर आपका ओ एल डी, ये आ जाएगा एस ओ एम ई, आर एस प्लस वन, ओ सेम चीज एल एम और डी ई, यानी ये प्लस वन है, चलिए ठीक है, कम को कर लीजिए, सी ओ एम ई को डन, डी ओ एम ई, सी का डी प्लस वन, ओ सेम, एम का एन प्लस वन और ई का सेम, ओके इसमें छोड़ दिया, इस वाले में प्लस वन छोड़ दिया, प्लस वन प्लस वन, फिर इसमें प्लस वन छोड़ दिया, फिर प्लस वन फिर छोड़ दिया, ये कोई पैटर्न नहीं बना। जी ओ एल डी को होम, एच ओ एम ई, गोल्ड को होम आपको कर दिया है, तो थोड़ा गौर करके देखें, जी एच प्लस वन, ओ सेम, एल के बाद एम प्लस वन और डी के बाद ई प्लस वन। अब एक ट्रिक लगाएगी, थोड़ा सा अगर आप दिमाग को इस्तेमाल करें, आप सोचोगे कि भाई ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा, रोल्ड प्लस वन छोड़ दिया प्लस वन प्लस वन, प्लस वन छोड़ दिया प्लस वन प्लस वन, लेकिन प्लस वन छोड़ दिया प्लस वन, फिर इसमें प्लस वन ने इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये तीनों में को मिला के कोई पैटर्न वैसा फॉलो नहीं कर रहा है जिस हिसाब से आपका होना चाहिए, और ये तीन डिजिट का आपसे पूछा गया, ये चार चार डिजिट दिए गए आपसे, तीन का पूछा गया। थोड़ा सा अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप ये देखिए, इसने वॉवल को छोड़ा है, देखिए ओ वॉवल है आपका, ओ वॉवल है, ई वॉवल है, ओ आपका वॉवल है, यानी ये वॉवल जो ए ई आई ओ यू होते हैं उनको छोड़ दिया है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनमें प्लस वन की सीरीज चलाई है, ये ट्रिक यहां पर है, अगर ये आप पकड़ के तो क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। तो इस हिसाब से सिंपल, वाई ओ यू में से वाई कॉन्सोनेंट है, वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई की जगह आपका आ जाएगा जेड, ओ क्या है वॉवल, और यू क्या है, यू भी वॉवल है आपका, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा जेड ओ यू, ये चीज ध्यान में रखिए, आंसर आएगा जेड ओ यू यहां पर, क्योंकि ओ भी आपका क्या है वॉवल है और यू भी क्या है वॉवल है, तो इसलिए वाई को जेड में कर दीजिए, ओ को सेम उतार दीजिए, यू को भी छोड़ के सेम उतार दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ था एसएससी के अंदर, ठीक है, तो ये क्योंकि इस टाइप का ट्रिकी था, थोड़ा सा आपने देखा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में काफी और समझ में आएगा आपको। देखिए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर को कोडेड किया जाता है सीईटीएमपीओआर, तो मशीन को क्या कोडेड किया जाएगा, थोड़ा सा अब देखिए धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के, इसलिए मैंने आपको बोला था वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी देखिए कंप्यूटर को कोडेड कीजिए, सी ओ एम पी यू टी ई आर, इसको क्या लिखा गया है, सी ई टी यू P M O R, गौर से देखिए सारे वर्ड मिल रहे हैं आपके C, तो फर्स्ट आपने चेक किया कि सारे के सारे वर्ड C O M P U T E R सारे वर्ड मिले, इसका मतलब इसमें कोई भी बाहर से लेटर की कोडिंग नहीं की गई, केवल प्लेस आपस में जंबल किए गए, जो फर्स्ट में हमने एक जो दूसरा एग्जांपल देखा था सेम वही है। देखिए क्या है, सी सी की जगह है, ये आपका सी सी की जगह है, आर आर की जगह है, वेरी गुड, अब क्या बचा आपका, देखिए सीरीज ओ एम,
OMPUTE, OM का एक सेट बनाइए, ये आपका OM कर दिया, दूसरा PU, ये आपका PU हो गया, ये तीसरा TE, ये आपका ET हो गया, यानी ये उठ के आपका यहां आ गया, ये आपका यहां और ये उठ के आपका यहां आ गया, लेकिन कि आपस में जो डिजिट है OM को MO कर दिया, TE को ET कर दिया और PU को U कर दिया, इस प्रकार से कोडिंग किया। इस हिसाब से मशीन देख लेते हैं, MACHIN और E, मशीन MACHIN और E, ठीक है। अब मशीन को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां क्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई बात नहीं। ये जो मशीन को हम करेंगे क्या, फिर इस हिसाब से मशीन को कोड करते समय हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि लास्ट में कर दीजिए M, ठीक है, M को इधर लिख दीजिए M और E को E, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट वाले डिजिट आपके रखे गए, फिर बीच वाले डिजिट का कोड बना दीजिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो सिंगल रहा, कोई बात नहीं, सिंगल लेन दीजिए, तो बीच वाला तो बीच में रहेगा ना आपका करके, ये वाला आपका कहां चला जाएगा, इधर इधर कर दीजिए, और ये वाला कहां जाएगा आपका इधर। तो आई एन को रिवर्स किया, देखिए टी को ई टी करिए ना, आई एन को क्या कर देंगे एन आई, एम एन आई, बीच वाले को बीच में उतार देते हैं क्योंकि सिंगल है, और इसको ए सी को सी ए सी ए, तो आंसर क्या आ जाएगा एम एन आई एच सी ए ई, एम एन आई एच सी ए ई, तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या निकल आएगा एम एन आई एच सी ए ई, ये आपका मशीन का कोड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने कैसे किया है कि यहां पर ये चले गए ये दो पेयर और ये दो पेयर, एच को बिल्कुल सेम एच में कर दिया, ठीक है, और ई का तो जो था वो हमने देख ही लिया, ये सेम ये फर्स्ट वाले पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि सारे के सारे डिजिट जो इसमें अवेलेबल हैं वो इसमें थे, जो कंप्यूटर था वो नीचे था, सेम डिजिट पूरे के पूरे इसमें थे, आपके अल्फाबेट्स पूरे मौजूद थे, तो हमने इसको कोडिंग को पहचाना कि किस टाइप से किया जाता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ऐसे करके क्वेश्चंस के जो आपके स्टैंडर्ड है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी हेल्पफुल होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैसूर को इस हिसाब से कोड किया जाता है, कैसे जल्दी ले देख लेते हैं, एम वाई एस ओ आर ई, मैसूर को कोड किया जाता है, तो इस हिसाब से एस वाई एम ई आर ओ इस हिसाब से कोड किया जाता है, तो लीडर का पूछा गया आपसे एल ई ए डी ई और आर, लीडर का बता दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे, एम वाई एस ओ आर ई, इसका मतलब सारे वर्ड हैं जो लेटर्स के जो आपकी जगह बदले गए हैं, एम कहां गया है, एम आपका इधर आ गया, एस आपका इधर आ गया, वाई इधर आ गया, वो आपका इधर चला गया, इधर चला गया, आगे चला गया, वेरी सिंपल। थोड़ा सा कोड पहचान दिक्कत है, तो आपको थोड़ा सा आपको कोड पहचानने में समय लगेगा, जितना आप रीजनिंग का यही फंडा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी समझ में आएगी। चलिए क्या कर देते हैं आपको, ये कर दीजिए, ये लीजिए, तुरंत आंसर आ गया आपका ए ई एल आर ई डी, ए ई एल आर ई डी आपका आंसर, बस आपने कोड को पहचान लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इजी, बहुत मजा आएगा आपको, धीरे धीरे आप आगे करूंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, छठवां क्वेश्चन क्या है, टीचर को देखिए, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर को टी ए ई सी ई एच आर, तो उस हिसाब से सी ओ एन डी ई एम एन को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कैसे हमारी कोडिंग की गई है, जो टीचर है आपका ये देखिए, ये सेम सेम है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं कैसा है, ई ए ए ई, ओके इस टाइप से, सी सी सेम है, एच ई ई एच सेम, ये देखिए, ठीक है, ये पैटर्न बना लीजिए आप, सी की जगह सी उतार दीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए, एम ओ डी की जगह डी उतार दीजिए, ये क्रॉस कर लीजिए, एम ई और एन की जगह एन उतार दीजिए आप, वेरी सिंपल। क्या आपका आंसर आ जाएगा, सी एन ओ डी एम और ई एन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी एन ओ डी एम एन, वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउल
को 50 लिखा जाता है तो टाइम को क्या लिखेंगे। एनटीपीसी 2016 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आउल को 50। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको बोला था पोजीशन वैल्यू थोड़ा सा आप ध्यान दें, ओ की क्या पोजीशन वैल्यू है, ओ की पोजीशन वैल्यू आपकी 15, पहले आप वैसे काउंट करिए, डब्ल्यू की पोजीशन वैल्यू 23 और एल की पोजीशन वैल्यू 12 आ गई। टोटल आप काउंट करें, 3, 2, 5, 5, 10 की शून्य लगी, 1, 2, 3, 4, 1, 5, ये लो वेरी सिंपल। सबसे पहले अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपका आ जाए ना करके, तो आप पहले पोजीशन वैल्यू रखिए, फिर उसी में हो सकता है आपको कोई ट्रिक लगी, कहीं गुणा होगा, कहीं भाग होगा, कहीं से कुछ किया जाएगा, लेकिन मैं सिंपल आ गया, मैं देखा काउंट करने से 50 आ गया, वेरी सिंपल। तो टाइम की पोजिशन वैल्यू लिख दिए टी आई एम ई, टाइम की वैल्यू लिख दीजिए आप, टाइम की क्या है 20, टी आई कौन सी जगह पर आता है 9, एम कौन से प्लेस पे आता है 13वें और ई कौन से 5। टोटल आप काउंट करेंगे 9, 3, 12, 12, 5, 17 के साथ आंसर लगी 1, 2, 3, 1, 4, 47। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 47 आंसर आपका आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैट 6, कैट कॉम 6 लिखते तो मैन को क्या लिखेंगे, क्या आपका क्वेश्चन है कैट कॉम 6 लिखेंगे तो मैन को क्या लिखेंगे, वेरी गुड। पोजिशन वैल्यू निकालते हैं, सी ए टी लिख लीजिए, सी 3 पे आता है, सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और टी आता है कितने पे 20 पे, 20, 21, 22, 23, 24 आया, कितना है आपका 6। ओके, मैन को ले लीजिए आप, एम ए एन, एम कितने पे आता है आपका, एन एम आता है 13 पे, ए आपका ए पे और एन कितने पे आता है 14 पे, टोटल जोड़ेंगे आप कितना निकल आएगा 28। अब वेरी सिंपल सी बात है, ये 6 दिया है तो 24 में कितने का भाग दें 6 आ जाएगा, 24 में कितने का भाग दें बताइए, 4 का भाग दीजिए, 4 × 6 = 24, इसमें भी 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे आप, 4 × 7 = 28, तो मैन बराबर क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा मैन बराबर 7, ये आपका आंसर। देखा, यहां आपका केवल किससे काम निकला, यहां आपने जोड़ने से काम निकला, यहां आपने जोड़ के 24 आया, लेकिन आपने देखा आंसर में 6, आपका कोड में 6 दिया हुआ है, तो 24 को 6 लाने के लिए क्या करेंगे, हमको 4 का भाग देना पड़ेगा, उसी हिसाब से जो यहां काउंटिंग है उसमें 4 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और इससे स्टैंडर्ड था। आप चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको लास्ट अपना एग्जाम्पल बता दिया, एनटीपीसी 2016 में आया क्वेश्चन है, 592 इज इक्वल टू, इसको कोट किया गया ग्रेप्स आर स्वीट, 374 को बोला गया आई लाइक ऑरेंजेस, 267 को बोला गया ऑरेंजेस आर सॉर, खट्टे हैं, तो सॉर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, पहले आप कॉमन देखते हैं, आई लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आर सॉर्ट, यानी ऑरेंजेस ये हैं, इसमें कॉमन है दोनों में, देखिए कॉमन क्या है 374 267, ये लीजिए 7, ऑरेंजेस के लिए 7 आ गया। अभी आपको आर और हटाना, आर देख लीजिए कॉमन किससे आएगा, ठीक है, आर किससे कॉमन आ जाएगा आपका, ऑरेंजेस आर सॉर और ग्रेप्स आर स्वीट, ठीक है, ऑरेंजेस आर सॉर, इसमें आर आर कॉमन है करके, ये देखिए आर आर आर, ग्रेप्स आर स्वीट, ऑरेंजेस आर सॉर। अब देखिए 267 592 में क्या है कॉमन, ये देखिए 2 2 2, तो आर के लिए क्या आ गया आपका 2 आ गया, अब क्या बच गया 6, सॉर के लिए क्या बचा आपका 6, यानी हमने ऑरेंजेस कॉमन करके आपने 7 निकाल लिया, फिर हमने आर देखा और आर निकाल के, क्योंकि सॉर के लिए हमको केवल 2 के कोड पता लगे, तीसरे का ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, अगर आपके ऑरेंजेस और आर किससे 2 और 7 से हो गए तो सॉर के लिए क्या बचा 7, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको जिसे लिखा हो आप केवल क्वेश्चन पेपर के ऊपर, या फिर अगर क्वेश्चन पेपर मान लीजिए फिजिकली आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात क्या करेंगे कि एक सिंपल सा फंडा है, आप कुछ भी मत करिए, आप ऐसे करके लिख लीजिए उनको, ऐसे ऐसे करके गोला करके कॉमन छांट लीजिए, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 सेंटेंस दिए हुए तो डेफिनेटली तीनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा मजा आया इस पूरे सेशन में, कोडिंग डिकोडिंग के सेशन में। अभी कुछ आपको 5 क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क को, जिनका आंसर आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेगी, नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो डालूंगा उसके अंदर इनका आंसर मिलेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। यदि ईजीआई इंटू 4 = 984, डीएफएच इंटू 2 = 270 और जीआई के इंटू 1 = क्या होगा, यानी इन दोनों को आपका दिया हुआ है कोड वैल्यू और आपका जीआई के इंटू 1 पूछा गया, इसमें कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका PARROTJI को ये कोड किया गया तो जुडिशियल का कोड क्या होगा। ठीक है, आपका क्रोकोडाइल को ये कोड किया गया तो प्री जुडिस का कोड क्या होगा। अगला है नेशनल को आपको ये कोड किया गया तो वेक्टर को क्या होगा। और पांचवा आपका यदि AC = M तो BE = क्या होगा। ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन को आप
अपना आराम से घर में पहले इसको लगाइए, फिर जो इसके आंसर होंगे डेफिनेटली अगर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो जो इसके आंसर हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड होगी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपकी कोडिंग और डिकोडिंग थी, जो नेक्स्ट आपका आएगा वो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी हिसाब से जो रीजनिंग के साथ आपको मैथ के भी मिलेंगे। अब जैसे सीरीज हो गया, डाइस हो गया, हर एक के आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे और डेली उसके अलावा, ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको वीडियो में समझाई, इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 15-15 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिलेंगे, वो भी आप करिए डेफिनेटली वो भी आपके काम आएगी। और आपका क्या है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन टाइप से, कि आप दिमाग को जितना आप कोडिंग डिकोडिंग या फिर रीजनिंग में जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने दिमाग आपका, क्योंकि रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक शक्ति, हिंदी में रीजनिंग को बोलते हैं तार्किक शक्ति, इसका मतलब जितना भी आप अभ्यास करेंगे उतना ही दिमाग आपका तेज काम करेगा, उतना ही जितने प्रकार की आप सीख लेंगे, अच्छा ठीक है इसको ऐसे करते उसको वैसे करते, वो आपको उतने हेल्पफुल होगी। तो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही काम आएगी। डेली आपको प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो मिल जाया करेगा, 15 से 20 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे और उनमें से कुछ आपको वहीं कराए जाएंगे, कुछ आपको होमवर्क के लिए दे दिए जाएंगे, जो आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे उनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन, जिससे कि इस टाइप की जो भी वीडियो आपके पास अपलोड होती है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो यहां तक ये वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जो भी आपको इसके अलावा जो आप एंड स्क्रीन पर देखेंगे वहां पर आपको सारी कनेक्टेड वीडियो मिल जाएंगी, तो उनके ऊपर लिंक जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर चैनल को पसंद आता है तो प्लीज लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।